पहला क्वेश्चन चित्रकला की मुगल कला भारतीय लघु कला की रीढ़ है। निम्नलिखित में से किस कला पर मुगल चित्रकला का प्रभाव नहीं है? कालीघाट को ध्यान में कालीघाट। रखिएगा, बिल्कुल कालीघाट होगा, ठीक है। बाकी पहाड़ी की बात करेंगे, कांगड़ा की बात करेंगे, राजस्थानी की बात करेंगे, सब पे मतलब मुगल चित्रकला का आपको प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन कालीघाट पे आपको प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ का कालीघाट, कहाँ का है? तो कोलकाता मत कोई बोल दीजिएगा, ठीक है। कहाँ का कालीघाट है? पश्चिमी मध्य प्रदेश का है, ठीक है। कहाँ का है? पश्चिमी मध्य मध्य प्रदेश। प्रदेश का है, ठीक है, ध्यान रखें कालीघाट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी की बात करेंगे, राजस्थानी कांगड़ा तो आप लोग जानते हैं, कांगड़ा कहाँ का हो जाएगा? कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा हिमाचल हिमाचल, प्रदेश का। कुमायूं कहाँ का होता है? कुमायूं चित्रकला हिमाचल उत्तराखंड, प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है। सॉरी मिथिला उत्तराखंड, उत्तराखंड, ठीक दरभंगा, है। मिथिला, मिथिला तो आप लोग जानते हैं ना। मधुबनी। हाँ बिल्कुल, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधि वेता थे? विधि वेता समझते हैं ना क्या होता है, जी सर, लीगल कौन एडवाइजर, होते हैं? हाँ, विघ्नेश्वर भी थे, विज्ञानेश्वर विज्ञानेश्वर, अनेश्वर राजे, भी थे, ठीक है, हिमाद्री भी थे, जीवूति बांध भी, राजशेखर नहीं थे। राजशेखर का कौन सा किताब लिखा राजशेखर गया कवि है? थे, राजशेखर कौन सा किताब कवि लिखा थे, गया कवि राजशेखर का? मीमांसा, नहीं, ठीक है, राजशेखर के द्वारा किताब लिख, कपूर मंजरी। कौन सा किताब लिखा गया है? कपूर कपूर, मंजरी, ठीक है। कौन सा किताब लिखा है? कपूर मंजरी, ठीक है। किसके दरबार में थे राजशेखर? तो प्रतिहार शासक का नाम मैंने बताया, महेंद्रपाल प्रथम के दरबार में रहते थे, ठीक है। हिमाद्री को क्यों माना गया है इसको विधि वेता? क्योंकि इन्होंने ना टीका लिखा था। किस पे टीका लिखा था? हिमाद्री ने किस पे टीका लिखा था? तो मनुस्मृति पे टीका लिखा था। टीका क्या होता है? टीका क्या होता था, कमेंट करना है किसी पे, किसी चीज पे। वो भी कह सकते हैं, लेकिन मतलब टीका का मुख्यतः, टीका का मतलब ये होता था ना, जैसे कोई पुस्तक किसी को समझ में नहीं आती थी ना, तो उसका एक उत्कृष्ट रूप साधारण शब्दों में उसको तैयार किया जाता है, जिसको कुंजिका समझ लीजिए। अब लक्ष्मीकांत किसी को समझ में नहीं आ रहा, तो लक्ष्मीकांत का नोट्स का निचोड़ दे देंगे, सीधा सीधा लिखा हुआ, ठीक है, उसी तरह का एक टीका लिखते थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। विघ्नेश्वर का भी क्या है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति किसकी है? तो विघ्नेश्वर का है याज्ञवल्क्य स्मृति, ठीक है, ध्यान रखें। याज्ञवल्क्य स्मृति पे टीका लिखा था, और उसका मिताक्षर है। जीवती वाहन की भी बात करेंगे तो इन्होंने भी मतलब क्या लिखा था? टीका लिखा था, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्मारक में ठीक वह गुंबज है जो संसार के विशालतम गुंबजों में से एक है? ये तो आसान प्रश्न बता ही देंगे, ठीक गोल गुंबद में, प्रासाद है, में, बिल्कुल ठीक है। बीजापुर। तो ये गोल गुंबज का, बीजापुर का जो गोल गुंबज जो आप लोग देखते हैं, तो ये किसी शासक का, ठीक है, स्मारक भी है। किसका स्मारक है ये? गोल गुंबद, हाँ, मकबरा है ये, ठीक है, ये घूमने वाला जगह ना, ये इसके नीचे किसी का बॉडी रखा हुआ है, जैसे ताजमहल है ना उसी तरह, ताजमहल भी मकबरा है, क्या है? मकबरा, यूसुफ आदिल शाह का। किसका है? यूसुफ आदिल शाह का, बीजापुर का शासक थे, यूसुफ बीजापुर के आदिल सुल्तान आदिल शाह, शाह का मकबरा जो है यही है, ठीक है, ध्यान रखें। अस प्रधानमंत्री परिषद थी, किसकी थी? आपकी थी, हमारी थी, गुप्ता की गुप्त थी, ने थी, चोल मराठा, प्रशासन की थी, मराठा की थी, मराठा किसकी का था थी? राष्ट्रप्रधान। अस प्रधान, ठीक है, ध्यान रखें, अस प्रधान के महाराज। जबकि विजयनगर साम्राज्य में क्या हुआ करता था? अष्ट गुप्ता में क्या हुआ करता था? गुप्ता में, दिग्गज, वो नौरत्न, गुप्ता में नवरत्न हुआ करता था, ठीक है, ध्यान में। गुप्ता में क्या हुआ करता था? नवरत्न हुआ करता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ये क्या, ये इनका जो होता था ना, ये जो भी ये अष्ट प्रधान, ये केवल सलाहकार की भूमिका में होते थे। निर्णय कौन लेता था? तो निर्णय सब में शासक ही लेता था, ठीक है। बताइए, दिए गए मानचित्र को ध्यान, मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुकरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? कौन सा मार्ग भाई? ये था हर्ष, हर्ष का था, हर्ष दक्षिण का की है, तरफ जा रहा, दिमाग से देखिए, दक्षिण की तरफ। मलिक चमन चोला मल्लिक कपूर हो जाएगा, ठीक है, दक्षिण के विजय का श्रेय जाता है, ठीक है। हर्ष कहाँ दक्षिण में जाएगा? हर्ष तो बेचारा यहाँ तक आएगा, बेचारा रुक जाएगा, हर्षवर्धन, नर्मदा, मेरे हर्ष को यहाँ पे लग हर्ष रहा था पराजित ये। हो जाएगा, ठीक है, कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पे आके रुक जाएगा। दक्षिण भारत और उत्तर भारत के बीच में सीमा मान लिया जाएगा, ठीक ठीक है, है। चंद्रगुप्त के समय में ऐसा नक्शा ही नहीं था, चंद्रगुप्त के समय से संपूर्ण उधर का ईरान वगैरह सब अखंड भारत था, ठीक है। राजन चोल छोड़ दीजिए, राजन चोल बेचारा उत्तर भारत में क्या करने आएगा, इधर से क्या करने आएगा, वो तो बेचारा नीचे ही था ना अपना, यहीं पे तो था। किसका हो जाएगा? मलिक कपूर हो जाएगा। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में आपको देखने को मिलता है। अपभ्रंश क्या था? ठीक है।
सी का पढ़िए। मीनिंग और ई नंबर प्रारंभिक रूपों को सही बिल्कुल ठीक करना। है। कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों का इंगित करने, ठीक है, इंगित करने के लिए अपभ्रंश शब्द का मतलब क्या देखने को मिलता है, प्रयोग होता है। सर्वप्रथम व्यास ने शब्द संस्कार में, ठीक है, हिंद शब्दों के लिए अपभ्रंश, अपभ्रंश कहने का मतलब क्या होता है, समझते हैं, मतलब उस शब्द का रूप को खराब कर दिया, समझ रहे हैं ना। निकनेम टाइप नहीं में। सर, उस जो लैंग्वेज है ना, उस वो जो मेनली जो सबसे पुराने फॉर्म में है उसको कहते हैं अपभ्रंश। हाँ तो उसका उसका पुराने फॉर्म को, मतलब पुराना फॉर्म का मतलब टूटा बूटा नया रूप दे दिया जाता है ना, उसको अपभ्रंश कहते थे। जैसे कानपुर को मतलब ब्रिटिश और कौनपुर, ठीक है, कुछ अलग अलग नाम देते, कहने नहीं आता, कुछ भी और देती है, तो उसको बोला जाता, मतलब पुराने शब्द में हुआ करता था, ठीक है, उसको मतलब कुछ नए रूप में मतलब दे दिया, उसको अपभ्रंश बोलते थे। सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग की बात की, किसने किया, किसने किया, तो ध्यान रखे उसका नाम क्या था, तो ध्यान रखे उनका नाम की बात करें, क्या नाम था उनका, व्यास, किसने किया, व्यास, ठीक है। चलिए, तो ऐसे प्रश्न आपको यूपीएससी में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं करेंगे, 30-40 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। नस्तालिक क्या है, ठीक है, क्वेश्चन नस्तालिक की बात करें, नस्तालिक क्या है, एक प्रकार की नाम फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, एक राग जिसकी रचना तानसेन ने की थी, ये तो नहीं होगा पता है, तानसेन का राग तो आपको याद ही है, मियां की मल्ला, मियां की टोपरी, मियां मलबार। के क्या क्या है। मुगल शासकों को उद्गृहित एक उपकरण नहीं है, उलेमाओं के लिए एक आचार संहिता नहीं है, क्या है, एक ये प्रकार की नहीं, फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी, उसको क्या बोलते थे, नस्तालिक बोलते थे, क्या बोलते थे उसको, नस्तालिक बोलते थे, क्या बोलते थे, नॉस्टैल्जिक। नस्तालिक बोलते थे, जिस अच्छा, सूफी वहीं से संत तो की, निकला है जी नॉस्टैल्जिया वर्ड। हाँ बिल्कुल, जिस सूफी संत की मानता थे कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एकमात्र साधन हो, कौन से सूफी संत थे ऐसे, ये था सर वो थे आपका ख्वाजा मुइनुद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती। ठीक है, बिल्कुल, ख्वाजा नाम मुइनुद्दीन चिश्ती द राइट आंसर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु कब हुई थी, तो 1236 में इनकी मृत्यु हो गई थी, अजमेर ठीक में। है, किस सिलसिला के, तो चिश्ती सिलसिला के जन्मदाता थे, किस सिलसिला से चिश्ती जुड़े हुए थे ये, तो चिश्ती सिलसिला रूप से जुड़े हुए थे, किस सिलसिला से, चिश्ती सिलसिला से जुड़े हुए थे, ठीक है। अजमेर में इन्होंने खानकाह की स्थापना भी की थी, इनका क्या मानना था, ईश्वर ही मतलब ईश्वर के निकट पहुंचने का एक माध्यम क्या है, संगीत ही है, लेकिन अभी का संगीत। संगीत नहीं, अभी का संगीत अगर ईश्वर के सामने बगा दे तो जो सारे ईश्वर आ भी रहेंगे, रास्ते से लौट जाएंगे, ठीक है, सूफी समझ रहे हैं संगीत। ना। हाँ, वो सूफी संगीत की बात हो रही है, अभी की संगीत नहीं, अभी का संगीत जो बजाता है ईश्वर का मन भी, वो थोड़ा सा मन भी करे सब जाए, वो भी सुन के बोलेगा नहीं नहीं उधर ही हम ठीक है। मुगल चित्रकला किसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पे पहुंच गई, जहांगीर के काल में तो जहांगीर जहांगीर कहता था, इतना कॉन्फिडेंट वो बंदा था, बोलता अगर किसी चित्रकला का नाक किसी और ने बनाई, आंखें किसी और ने बनाई, भौं किसी और ने बनाई, तो मैं देख के बता दूंगी उसे नाक किसने बनाई है, भौं किसने बनाई, आंखें किसने बनाई है, ठीक, इतना ये बंदा, ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंट था, ठीक है। तो मुगल चित्रकला की बात करते पराकाष्ठा पे, ठीक है, किसके समय में पहुंच गई थी, जहांगीर के समय, लेकिन चित्रकला का फैक्ट्री किसने स्थापित किया था, अकबर ने। अकबर ने चित्रकला का, अगर बात, प्रिंस ऑफ बिल्डर के नाम से किसे जाना जाता था, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में मुगल काल किसके समय प्रकाशता पे शाहजहां। पहुंची, शाहजहां शाहजहां ने, ठीक है। हिंदी का काल किसका माना जाता था, हिंदी का काल अपने प्रकाशता पे किसके समय में थी, मैं हिंदी बढ़िया था, अकबर के टाइम पे तो सर। अकबर के टाइम में, ठीक है। अगर मैं पूछूं आपसे बाघ के लिए, बाघ के लिए, ठीक है, बाघ वगैरह के लिए क्या बोलते हैं उसको, गार्डन के लिए किसके समय बढ़िया था, बाघ वगैरह का खूब विकास जहांगीर हुआ, नहीं इस कुमाऊं बार के गड़बड़ा गए, बाबर पहले लिखवाया था ना बुक में, तो बाबर, ठीक है, ठीक है, बाबर, ठीक है, बाबर के समय में चार बाग का बनारस प्रथा वगैरह में। आगे अकबर ने किया, ठीक है, लेकिन बाबर के समय भी अपने चरम पे था, ठीक है। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी तथा खास तौर पे इसीलिए चालू की गई थी ताकि, मनसबदारी क्या राजस्व था, राजस्व मध्यकालीन भारत संग्रह में मनसबदारी प्रथा खास तौर पे इसीलिए चालू की गई थी ताकि, क्या था इसका, राजस्व संग्रह में सुविधा हो। में सुविधा हो। नहीं, सॉरी सॉरी, साफ नहीं, सुथरा गलत प्रशासन है, लागू हो सके, बिल्कुल साफ वेरी गुड, सुथरा ठीक है, प्रशासन लागू। साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके इसलिए मनसबदारी व्यवस्था, ठीक है, हालांकि मनसबदारी व्यवस्था सैनिक की सेना में, हाँ बताइए, जैसे आज के समय में डिफेंस जो है मिलिट्री का अलग एक बेस बना हुआ है, बाकी पॉलिटिकल रूप से जो राजनीतिक सत्ता कर रहा है वो दोनों का अलग है। उस टाइम जो मनसबदार था दोनों को एक ही में मिला दिया गया था।
उसी को मंसबदार कहा जाता था वंशावदारी व्यवस्था की अकबर के बात समय करेंगे में। तो 1575 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, आती है। मनसब का मतलब क्या होता, मनसब का मतलब क्या होता, मनसब अरबी भाषा का शब्द है। मनसब, मनसब का मतलब होता पद होता है। क्या होता, मनसब का मतलब क्या होता, पद होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। हाँ, इस मनसब पद को प्राप्त करने में तो मनसबदार बोलते थे। पहले निम्नलिखित में कौन सा गुण सम्मिलित नहीं है, गुरु रामदास, मीरी और पीरी, गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, गुरु रामदास, दल खालसा, गुरु गोविंद सिंह, मंजी, कौन सा सही नहीं है बताइए। जी सही सही सुमेलित है, सुमेलित है, आपका सॉरी, तो सही सवाल ही नहीं सुमेलित चल रहा है। है। निम्नलिखित अर्जुन कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है, तो गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ, बिल्कुल सही, हाँ देव, बिल्कुल, ठीक है, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं अर्जुन है। गुरु अर्जुन देव आदि ग्रंथ की देव रचना कब कब पूरा किया था, तो 1604 में पूरा किया था। कब पूरा किया था, 1604 में क्या ग्रंथ किया था, पूरा किया था, पूरा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गुरु, इसमें पांच सिख गुरुओं के बारे में, ठीक है, चर्चा है। आदि ग्रंथ में आपको 18 हिंदू भक्तों, संत कबीर, नामदेव आदि के भी उपदेश आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मीरा और पीरी गुरु की बात करेंगे तो इनके को मीरी, मीरी और पीरी की बात करें, हरगोविंद हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, हरगोविंद हो जाएंगे, ठीक हरगोविंद, है, हरगोविंद हो जाएंगे, ठीक है। मंजी की बात करेंगे, मंजी कहाँ का, मंजी की बात करेंगे, मंजी की बात करें, अमरदास का मंजिर है, मंजी किसका, अमरदास का। और दल खालसा की बात करेंगे तो दल खालसा तो आप लोग जानते ही हैं, गोविंद गुरु सिंह पर, किनसे, गुरु गोविंद सिंह से दल खालसा संबंधित है, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, कृष्ण जीवन परख, ठीक है, प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी, तो सबको पता होगा प्रेम सूरदास वाटिका, खान, सूरदास, नहीं, रस सूरदास, खान, कौन थे, नहीं, रसखान रस है, खान इज द राइट रसखान, आंसर, प्रेम नहीं वाटिका की रसखान, बात करें, रस खान, ठीक है, रस खान साहब की बात करेंगे, किसके अनुयायी थे, कृष्ण भगवान के अनुयायी थे ये, ठीक है, कृष्ण के अनुयायी टेंथ थे, ठीक है, क्लास में हालांकि संस्कृत सूरदास में भी कृष्ण चैप्टर के में थे, था बिल्कुल। प्रेम यानी वाटिका, पब्लिक अपनी अपनी शक्ति को सुलोमित करने के लिए बलवन ने भव्य उपाधि धारण की, कौन सी उपाधि धारण की, जिल्ले दिलाई, ठीक है, जिले जिल्ले दिलाई किस प्रकार का उपाधि, जिल्ले लाही दिलाई जो था अपने आप को, मतलब ईश्वर के बराबर इसने आपको खुद को बोला, ठीक राजत्व, है, इसको राजत्व का सिद्धांत तो बोलते हैं, कौन सा सिद्धांत बोलते हैं, राजत्व, राजत्व का सिद्धांत, ठीक है, राजत्व का सिद्धांत क्या होता है, मतलब धरती पे, ठीक है, धरती पे राजा ईश्वर का रूप है, ठीक है, और राजा अपने मन से शासन नहीं कर रहा, ईश्वर ने राजा को मतलब शासन करने के लिए भेजा है, तो ईश्वर के बाद तुम राजा को भी वही सम्मान दो, क्योंकि मतलब राजा जो है ईश्वर के मतलब उस पे, ईश्वर के मतलब ईश्वर के जगह पे मतलब धरती पे शासन कर रहा है, ठीक है। तो ये बहुत सारे राजा लोग जो थे अपने आप को मतलब उनसे जोड़ते थे, इसको राजत्व का सिद्धांत बोलते थे, इसी आधार पर जिल्ले इलाही का मतलब पद जो था, सॉरी उपाधि जो था, किसने धारण किया, बलवन ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ध्यान में, दीन इलाही जो यहाँ पे दिया, दीन इलाही की बात की, इसको तौहीद इलाही के नाम से जानते थे, ठीक अच्छा है, ये कौन सा अकबर ने नवीन धर्म चलाया था, कैसर हिंद के नाम से, किसे जानते थे, कैसर हिंद के नाम से, महात्मा गांधी की उपाधि मिला था, ठीक है, वैसे कैसर हिंद की बात, विक्टोरिया तो महारानी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया बोल रहे, विक्टोरिया को बोलते थे, ठीक है, बताया और ये तूतीय नहीं, हिंद की आमिर बात करेंगे, खुसरो, तूतीय हिंद किसे बोलते थे, अमीर आमिर खुसरो को, ठीक है। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था, सिंपल सा प्रश्न है, बन जाना चाहिए मीरबख्शी, सभी लोगों से, कितना मीरबख्शी, आसानी से आप लोग यूपीएससी का क्वेश्चन को सॉल्व कर ले रहे, मानना पड़ेगा, लेकिन लेकिन दिक्कत है 1997 में पूछा था, अभी 1997 का था, 2000 जवाब लोग सही भी नहीं थे। 2005 के बाद पहुंचने दीजिए ना अभी, ठीक है, क्या होगा, मीरबख्शी होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आप चलते आगे। क्वेश्चन मतलब आउट हो गया है, बहुत बहुत बड़ा गया है, इसीलिए उस हाँ टाइम का ठीक है, आगे क्लियर चलेंगे, क्वेश्चन ठीक था है, सर। हाँ ध्यान में रखेंगे, ठीक है, आप चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, देखिए उस समय ही टफ था, अब ये जो देख रहे हैं ना किताब, उस समय से किताब स्किप उताब नहीं होता था, कर दीजिए सर। ठीक है। भारत में सूफियों के चिश्ती धर्म संघ का प्रवर्तन और प्रमुख व्यक्ति ख्वाजा मुईद्दीन चिश्ती थे, चिश्ती धर्म संघ दोनों ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्त में लिया, बताइए क्या सही है, सही है, हाँ सर, दोनों दोनों स्टेटमेंट चीज ट्रू, दोनों को उन्होंने स्टेटमेंट गलत, हाँ ये तो क्या था चिश्ती यहाँ का पे, चिश्ती मॉडल ईरान से लेके आया था धर्म सर, संघ ने अपना नाम अजमेर में स्थित ग्राम चिश्ती, अजमेर नहीं में अजमेर ये नहीं लिया लिया रहा, चिश्ती नाम अजमेर है, से ईरान नहीं में लिया गया है, ठीक लिया है, फिर कहाँ से लिया कहाँ गया, से इसका लिया नाम है कहाँ से सर, लिया गया है, जहां वो से आए थे धर्म, चिश्ती ईरान वाले, अफगानिस्तान, चिश्ती एक अफगानिस्तान का गांव है, चिश्ती कहाँ का गांव है, तो हाँ अफगानिस्तान का गांव है, अफगानिस्तान ठीक है, में, ध्यान रखेंगे, ठीक है, अफगानिस्तान का गांव का नाम चिश्ती है,
ठीक है ध्यान में, चिश्ती अजमेर में आके बस गया, लेकिन चिश्ती नाम जो है ना अजमेर के किसी गांव से नहीं है, किस गांव से है, अफगानिस्तान के गांव से है। हम ये मोहिद्दीन चिश्ती साहब जो है किसके साथ भारत आए? अफगान किसी के साथ आए थे? गौरी मेरे साथ आए थे या फिर गौरी के साथ आए थे, किसके साथ आए थे? देखिए गौरी अकेले चले आए थे दौड़ के, गौरी के साथ आए थे। कब आए थे? 1192 में आए थे, 1192 ठीक है, 1292 में, ठीक है, 1206 में इनकी मृत्यु होती है, ठीक है। ये चिश्ती गांव कहाँ का गांव है? अफगानिस्तान का अफगानिस्तान का अफगानिस्तान का गांव है। गांव है। महाभारत की विषय वस्तु तो निम्नलिखित भाषाओं और कृतिकारों और उनकी कृतियों के निम्नलिखित युग में से कौन सा एक सही सुमेलित है? कांशीराम ने काशीराम उड़िया में लिखा, शारदा दास ने बंगाली में लिखा, टिक्कन ने मराठी में लिखा, पंपा ने कन्नड़ में लिखा था। पंपा कन्नड़ जो है आपका सही है, कि पंपा ने कन्नड़ भाषा में महाभारत का अनुवाद किया था, ठीक है, ध्यान रखे, पंपा ने कन्नड़ भाषा में। पंपा पोन और रन क्या थे ये? पंपा पोन और रन क्या थे? व्यापारी त्रिरत्न का नाम था, कन्नड़ मछली त्रिरत्न पकड़ते थे, मुर्गा पकड़ते थे, या फिर कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे ये? है साहित्य, कन्नड़ कन्नड़ साहित्य बिल्कुल ठीक है, के शुक्र है सर त्रिरत्न आप लोगों ने मछली और मुर्गा पकड़ना नहीं बोला, ठीक है। क्या है ये? कन्नड़ साहित्य के क्या थे? तो त्रिरत्न थे। क्या थे ये? कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न थे। नीचे के लोग सो गए क्या? थोड़ा सा अपना उपस्थिति दर्ज करवाइए, थोड़ा सा नहीं बोला तो माइक भी खोल के तो नेटवर्क उपस्थिति खराब दर्ज कर होगा, रहे, सब लोग जीवित है। जीवित है, नेटवर्क नेटवर्क खराब होगा, जीवित और लोग नीचे से, तृप्ति, राहुल देवाशीष, चंदन जीवित जी, हो तो रिएक्शन दो। 2 बजे सर नहीं है, नींद आती है, क्या कीजिए यार, जगे हुए अकेले हैं 2 बजे तक जगना पड़ता है सर। पता है क्या करते हैं 2 बजे तक जग। जिस मध्यकालीन बात लेकिन अमेरिका की खोज का उल्लेख किया कौन था? ये देखिए कितना सुंदर प्रश्न है, अबुल दिल फजल खुश हो आजाद। जाएगा। अमेरिका के बारे में किसने, अमेरिका के खोज के बारे में किसने जानकारी दिया है मलिकपुर बताइए? वजह से चर्चा नहीं गड़बड़ा रहे हैं थोड़ा हुआ सा। ऑप्शन लीजिए। आमिर खुसरो ने आमिर खुसरो मार देते फजल ने किया है, ठीक है, इसने जो लिखेगा वही तो हैं करेगा ना, इसने तब। बहुत व्यापक किताब लिखा है, ठीक है, 3 खंड में इसने किताब लिखा था, कुछ कुछ जगह नहीं मिलता था, नहीं तो बाहर की भी बिल्कुल, चर्चा कर दिया है, आईने ठीक है। अकबरी, तो अबुल आईने फजल ने, अकबरी हाँ, आईने को अकबरी में ही है। अबुल फजल भूल गया, उनको पता चल गया कि अमेरिका का खोज हुआ अमेरिका है। का खोज कब हुआ था? 1492 में हुआ था, ठीक है, अब इससे दिमाग लगाइए। हाँ तो तभी तो ठीक है ना, जहाँ आईने अकबरी। अबुल फजल ने किया था कि इसका अमेरिका की खोज के बारे में अबुल फजल ने अपने किताब में चर्चा किया है। शिवाजी के अर्ष प्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों का देख रेख करता था, विदेश मंत्री कौन होता था शिवाजी के सुमंत यहाँ? सुमंत सुमंत बिल्कुल, रामायण देखे हैं? सुमंत रामायण, रामायण में देखेगा विदेश मंत्रालय के कार्य सुमंत सुमंत संभालते, नहीं बोले सुमंत संभालते थे ना, प्रधानमंत्री। पेशवा जो होता प्रधानमंत्री होता, पंडित और धार्मिक मामला को संभालता था, ठीक है, ध्यान में इसको रखेंगे। तो सचिव क्या देखता था? सचिव वो मंत्री था कोषाध्यक्ष पत्राचार पत्राचार, पासवान, पेशवा पीएम साहब थे वहां ये पे, तो प्रमुख मेन ही चीफ थे, ही ठीक है मंत्री। है। ये क्या थे? कि राजा को एडवाइस भी कर देता था वही और इसे धार्मिक मामलों को देख रेख करता था, ठीक है। चलो 19 नंबर क्वेश्चन, कंधार, कंधार पे जाते प्लेन हाईजेक हुआ था, ठीक है, प्लेन का नाम क्या था पता है? 2001 में प्लेन हाईजेक हुआ था, उस प्लेन को मतलब यहाँ क्रिसमस का दिन था प्लेन, ठीक है, वो नेपाल से चली आ रही थी, उसको हाईजेक करके कंधार ले गया था, उसी में हाफिज सईद को छोड़ा गया था, ठीक है। हाफिज सईद जो मुंबई अटैक किया, कंधार प्लेन हाईजेक में उसको छोड़ा गया था। तो कंधार से निकल जाने से मुगल साम्राज्य का एक बड़ा धक्का पहुंचा, किस चीज से धक्का पहुंचा, किसके समय में कंधार हाथ से निकल गया था? तो शाहजहां ने, कंधार ठीक है, शाहजहां, ठीक है, नहीं सॉरी सॉरी, शाहजहां के बाद, हाँ बिल्कुल ठीक है, औरंगजेब के शाहजहां ने टाइम पे, 1638 में फिर से मतलब, हाँ बिल्कुल, ये जहांगीर के समय निकल गया था, लेकिन 1638 में शाहजहां इसको फिर से वापस पा लेता है, ठीक है, लेकिन फिर से जाके मतलब 1600, ठीक है, 1649 में फिर से निकल जाए, पूछा जाता है, ठीक है, शाह के, ईरान के शासक शाह और मुगल शासक के बीच में झगड़े का जड़ क्या था? तो क्या बताएंगे? कंधार कंधार था, था, कंधार। ठीक है, ये भी प्रश्न ध्यान रखे, ठीक है। कंधार का क्या महत्व हुआ? अगर सामरिक महत्व हुआ करता था, अगर कंधार पे अगर इसको कब्जा करके रखते थे, कोई भी विदेशी जो आक्रमणकारी जो उधर चाहेंगे तो उनको वहीं पे रोक सकते थे, चौक पॉइंट बना के रोक सकते थे, यस,
ठीक है, तो ये बहुत इसका सामरिक महत्व कहते हैं श्री जहांगीर ने, मतलब वो करके दिखाया जो कि कोई भी मुगल नहीं करके कर पाया। राजपूतों से, मेवाड़ वालों से मतलब उसने क्या कर ली, संधि कर ली, उनको अपने यहां मिला लिया। लेकिन वो एक ऐसा काम भी किया जो कि बहुत दिन से मुगलों का धरोहर था, जो कि उसके समय हाथ से एक तरह से निकल गया था, वह था कंधार। सल्तनत का मतलब फाजिल, फाजिल का मतलब फाजिल, ठीक है, फाजिल, फाजिल का मतलब हाँ एक्स्ट्रा होता था। फाजिल के हाँ मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा होता था। नहीं बोलते यार फाजिल हटाओ इसको, नहीं बोलते हैं फाजिल हो गया निकालो इसको, ठीक है। तो फाजिल से यहां से दिमाग लगा लीजिए क्या होगा, सही बात है। इक्तेदारों द्वारा बिल्कुल इक्तादारों द्वारा, ठीक है, सरकारी खजाना जामी की जाना अतिरिक्त राशि। इक्तादार को जमीन देते थे, तो इक्तादार जो, इक्तादार की बात, उनको जमीन जो मिलता था सुल्तान से, निश्चित संख्या में उनको सैनिक रखना पड़ता था। तो उनको इक्तादार को वेतन नहीं मिलता था, सैनिक रखने के बदले जो भूमि जो उनको दिया जाता था, उनसे जो राजस्व जो प्राप्त करते थे, उनसे अपना भी खर्च चलाते थे, सैनिक को सैलरी भी देते थे। उसके बाद भी अगर पैसा अगर बच जाता था ना, तो उसको उसको बोलते हैं फवाजिल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, फवाजिल कहा जाता था। अगर इक्तादार अगर ईमानदार है तो राजा के खजाना में, सुल्तान के खजाना में जमा कर देगा, लेकिन सारा सारा इक्तादार बेईमान निकलता था। एक्स्ट्रा पैसा होने के बाद भी अच्छा राजा के खजाना में जमा नहीं करता था, इसका क्लास अच्छा से कौन लगाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया, बोला इक्तादार हमको चाहिए नहीं चाहिए, हम अपना अस्थायी सेना खुद बनाएंगे, जितना भी इक्तादार के पास जो भी जमीन गया था, सारा के सारा जमीन हमें क्या करो, वापस करो, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने एक नया बड़ा सा, बहुत बड़ा सेना बना लिया, क्योंकि उतने बड़े सेना को रखने के लिए उसके पास मतलब व्यवस्था नहीं थी। तो उसने एक नया नियंत्रण प्रणाली चलाई, जिसको बाजार नियंत्रण प्रणाली बोलते हैं, जो कि मुख्यतः सैनिकों के लिए था, ठीक है, जिसे सैनिकों का मुख्य रूप से सामान मतलब सस्ता में उपलब्ध करवाना था। समझ गया ना, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा इरेगुलेटरी होने लगी थी। कोई भी जो था इक्तादार जो था, वो मतलब संपत्ति जो राजा के खजाना में, फाजिल संपत्ति को जमा ही नहीं करता था, सब अपने पास रख लेता था। अगर आपके ऊपर अगर छोड़ दिया जाए तो चलो ठीक है, अपना खर्च करो, ठीक है, और इसे जो एक्स्ट्रा पैसा जो था हमें लौटा दो, हम तो नहीं लौटाएंगे, आप लोग का नहीं पता, ठीक है। तो वहां पे इक्तादार भी मेरे जैसा सोचता, तो पैसा हम राजा भी को नहीं देता ही नहीं लौटाएंगे। था, ठीक है। कितने लोट लौटाने के फेवर में, अगर बोल दिया जाएगा चलो आपको जो बचेगा दे देना, बाकी अपना खर्च वर्च करो, उनको सेना देते रहो, ऐसा कुछ अगर हम तो आपके हाथ शर्ट में पेंट ग्रहण ले दिया लेंगे वो जाएगा, आदिल ठीक का। है, नहीं लौटाएगा। यही सही वर्ड आया ना सर, इसीलिए बोलता है मांझिल फाजिल टेलीग्रामों यार। पे बोला जाती फाजिल लड़का है, छोड़ दो इसको। छोड़ दो इसको, ठीक है। तो देखिए शब्द में ही, ठीक है, मध्यकालीन शब्द बहुत मैटर करते, उसमें अर्थ छिपे होते हैं, ठीक है। अब ये कभी आप लोग भूलोगे क्या, मैंने जैसे बता दिया आपको, भूलेंगे क्या आप लोग कभी? नहीं भूलेंगे, बहुत सुंदर। भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से याद दिलवा देंगे। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल का निर्माता था, तो किसने किया था? फिरोजशाह तुगलक, FST। तुगलक ने सबसे पहले किया था। लेकिन अगर पूछेगा भारत में सबसे पहले नहर का निर्माण किसने करवाया था, वही तो सबसे नंद पहले तो सर वर्मा पर बाबर निर्माण, करवाया महापद्मनंद था। नहीं, बड़ी करवाया संख्या था में क्या? इसने करवाया था, बड़ी संख्या में इसने जो करवाया था, MBT करवाया था, गियासुद्दीन सबसे पहले तुगलक, गियासुद्दीन जीएसटी। तुगलक। बहुत सुंदर, जीएसटी ने सबसे पहले करवाया था। लेकिन फिरोजशाह तुगलक ने उसके बाद करवाया, बड़े पैमाने पे करवाया, लेकिन ये भी बड़ा तेज आदमी था। ये बोला अच्छा नहर में हम इतना खर्च किए क्या, हम छोड़ देंगे क्या? इसने बोला सर नहर से अगर पानी लोगे तो उस पर 10% टैक्स लगेगा। क्या लगेगा? 10% टैक्स। एक नए टैक्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसको बोले हक ए सर्व। क्या बोलते थे? हक ए सर्व सर्व। सिंचाई हक कर, ए सर्व क्या था? 10% सिंचाई टैक्स कर। लगता था, जो भी व्यक्ति मतलब क्या लगता, नहर से पानी लेता था। सिंचाई का एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस कर दिया गया। इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो आता है कौन, क्या नाम है उसका, खिलजी इसके बाद आता है, तुगलक के बाद खिलजी है ना। नहीं सैयद नहीं सर, तुगलक के बाद सैयद है। तो पहले खिलजी होगा ना, हाँ पहले खिलजी, वो एक नया ही टैक्स तुगलक इंट्रोड्यूस करता है खिलजी। खिलजी बोलता है घर के ऊपर भी टैक्स लगा देता है, चराई वाला भूमि होता है उसके ऊपर भी टैक्स लगा देता है, ठीक है, घरी कर चराई कर सबके ऊपर टैक्स लगा देता है। वो क्यों लगाता है, क्यों जरूरत पड़ गया खिलजी को इतना टैक्स लगाने का? अलाउद्दीन खिलजी का मन था या फिर उसको उसकी जरूरत पड़ी इतना अधिक टैक्स लगाने का? नहीं, वो ज्यादा आर्मी रखा था जरूरत तो उसको पड़ा, चाहिए बिल्कुल, था उसके ज्यादा पास एक सैलरी। अस्थायी सेना थी, अस्थायी सेना को मेंटेन करने के लिए बहुत बड़ा मतलब उसको राशि की आवश्यकता होती थी, इसीलिए उसने नए नए टैक्स को क्या क्या इंट्रोड्यूस किए। समझ रहे हैं ना, उसने दीवाने अर्ज विभाग को किसी को नहीं दिया, बोला हम खुद संभालेंगे। अगर पूछेगा सैन्य विभाग को उस
उस मध्यकालीन शासक का नाम बताइए जो कि खुद ही मतलब देख रेख करता था, सब कुछ मेंटेन खुद ही करता, तो कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, उसने जब बाजार नियंत्रण प्रणाली चली किस तरह का था, तो अभी आप आर्मी कैंटीन में कभी गया है सामान लाने के लिए? सर, 500 का सामान देखिएगा 300 में मिलेगा, क्यों मिलता है? तो वही बाजार नियंत्रण प्रणाली हुई, तो उसने सामान के कीमत को मतलब फिक्स कर दिया। सैलरी भले ही कम देंगे लेकिन सामान सस्ता अगर देंगे तो आर्मी को मतलब सेना को दिक्कत नहीं होगी, तो सामान के टैक्स कीमत को फ्री आप फिक्स मिलता कर है। दिए। अगर एक तरह से अभी कैंटीन जो देखते हो कि सेना के लिए बनता, तो कहीं नहीं कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत पहले उसकी नींव डाल दी थी। समझ रहे हैं ना? चलिए, आगे का क्वेश्चन देखिए। देखिए ये सारे क्वेश्चन का इतना एक्सप्लेनेशन सोल्यूशन में भी नहीं है, ठीक है? जो भी हम इसको अच्छा से बताने की कोशिश करें ताकि आपको याद रहे, ठीक है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान थी, अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित किया गया था। दोनों सही है। बिल्कुल, बहुत स्टूडेंट, प्रारंभ में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान थी, बिल्कुल ठीक है। सैनिक के अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड में विभाजित कर दिया गया था, तो बॉस स्टेटमेंट क्या है? तुरु है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या सही है। शाहजहां के शासनकाल में दारा सिखों के बल्ख बदखसर कंधार के अभियान पर भेजा गया था। ठीक है, शाहजहां के द्वारा मध्य पूर्व में भेजा गया अभियान अद्भुत रूप से मतलब सफल रहा, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है? ध्यान में रखिएगा, तो ये तो सही है परंतु क्या आर क्या है? गलत है। ठीक है, शाहजहां के शासन में दारा सिखों के बल्ख बदखशां और कंधार के अभियान पर भेजा गया था, सही है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट जो था गलत है। हालांकि ज्यादातर अभियान पे औरंगजेब को भेजा, डक्कन में भेज देता था औरंगजेब को, जहां पे खूब लड़ाई मारका टेक्शन से भरपूर चीजें चलती रहती थी, अभी डक्कन में भेजता था हमेशा। शाहजहां औरंगजेब को अपने से दूरी रखता था, बाकी ज्यादातर जगह पे तो दारा सिखों को भेजा भी नहीं जाता था, अगर भेजते भी तो सेफ जगह पे भेजा जाता था। देखिए, निम्नलिखित कथनों पे फिर से आपको सर विचार करने हैं। अहदी घुड़सवार में सिपाही थे, कैसे सिपाही को अहदी कहते थे? जिन जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की है, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया है, सम्राट जिनका आसन कर्नल था। ठीक है, सारे के सारे सही है, जिन्होंने अपने को मिर्जाओं के साथ संलग्न किया नहीं। एक दो तीन स्टेटमेंट क्या है सही है, उनको अहदी कहते थे, जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान किए, जिन्होंने किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया है, सम्राट ही जिनका आसन कर्नल था, उनको मतलब क्या अहदी बोलते थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अहदी वो घुड़सवार सैनिक जो सीधे मुगल शासक की सेवा में थे, मतलब राज्य के द्वारा थे। ठीक है, राज्य के द्वारा, ये मतलब इनको सरकारी नौकरी था एक तरह से। ठीक है, डायरेक्ट मुगल सैनिक के अधीन आते थे, इनकी नियुक्ति स्वयं मुगल शासक करते, इन्हें ऊंचा वेतन दिया जाता, इनकी अधिक सैलरी होती थी, उनको अहदी कहते थे, राज्य के सैनिक को अहदी कहते थे। सिंपल सा ध्यान रखिए, किसी भी मिर्जा के अधीन, अभी किसी भी राजा के अधीन नहीं आते थे, इक्तादार के अधीन नहीं आते थे, डायरेक्ट राज्य के द्वारा नियुक्त होते थे। मिलान करना है, सही कलाकृत बताइए, साल याद है? बताइए, कुतुब मीनार तो जाहिर सी बात है सबसे पहले तो यस हो सर, जाएगा, कुतुब मीनार ठीक सबसे है। पहले लेकिन लग रहा है क्या? तीन किसी में है पहले, चलिए ये कट गया ये कट गया। एक चार दो कुतुब मीनार का निर्माण बता रहे 1192 में शुरू हुआ था, तीन है फतेहपुर सिकरी आप अकबर के शासनकाल में है, ये पंद्रह एक सौ सौ छिहत्तर उनहत्तर में शुरू हुआ सर। था। लोडी गार्डन पता, लोडी गार्डन का निर्माण कब हुआ था? डी नंबर हाँ, सर, लोदिन गार्डन डी बाद ही में नंबर होगा ना, क्योंकि पंद्रह सौ अकबर के सत्रह में टाइम। हुआ था। तुगलकाबाद के किला 1321 से डी लेके नंबर 25 तक बनना शुरू हुआ था। ठीक है, अब लगा लीजिए कौन सा हो जाएगा, डी चार तो दो बी नंबर हो डी जाएगा। डी ठीक है, डी आप चलेंगे, हाँ मिलाना है मिलाइए। 1739 में कौन सा नादिर शाह के दिल्ली पे आक्रमण हुआ, 1556 में क्या होता यस है सर, हल्दी घाटी का युद्ध होता है, 1600 में क्या होता है यस ईस्ट इंडिया सर, कंपनी को अधिकार का मिलता है। ठीक है, यस 1686 में क्या सर, होता है शिवाजी का मतलब क्या होता है देहांत होता है, देहांत 1686 में क्या होता है शिवाजी का होगा, देहांत हो जाता है। ठीक है, अकबर का देहांत राज्यरोहण कब होता है? अकबर का राज्यरोहण कब होता है? 1556 में। पंद्रह यस सौ सर, छप्पन में होता है, 1556 से लेके सर वो 1605 हल्दीघाटी का युद्ध तक गलत है, क्योंकि अकबर। 1576 में हुआ था हल्दीघाटी का युद्ध, पहला वाला गलत है। हाँ सर, वो गलत है सर। हाँ, 1576 में था हल्दीघाटी, वो पंद्रह सौ छप्पन गलत है। दूसरा लड़ाई हुआ था। हाँ, तो क्या किधर मिल गया, कुछ अकबर का गलत हो गया राज्यारोहण क्या? सर 1556 एक में का हुआ पांचवा है। होगा,
एक का पांचवा कर दिया। हाँ 1556 कहाँ गया, इधर है ना। अच्छा ये हाँ इधर हो गया, ठीक है। हल्दी घाटी का 1576 में होगा, बाकी आप लोग मिला लीजिए, आप लोग तो खुद ही बहुत ज्यादा समझदार है। यहाँ पे देखें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूरी जानकारी देता है, ठीक है। दिए गए मानचित्र में क्षैतिज भाग में कलावधि विशेष रूप से अकबर के साम्राज्य को दर्शाता है, ए स्वतंत्र देशों का परिचारक है, बी एक नगर की स्थिति को दर्शाता है। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है बताइए। कह रहा है सर, हाँ ऑप्शन दिखाइए ना। दिखाई हमको ये क्या है। बोल रहा है 1500 अकबर गोलकुंडा लाहौर को दिखा रहा है, 1587 में अकबर खानदेश मुल्तान को दिखा रहा है, ठीक है, या फिर 1605 में अकबर के गोडवाना मुल्तान को दिखा रहा है, 1605 में अकबर के गोडवाना और लाहौर को दिखा रहा है। खानदेश गोलकुंडा और लाहौर, मुल्तान बी वाला हिस्सा ये कहाँ पे मिलेगा ये। भी सर पाकिस्तान है सर, मुल्तान तो मुल्तान तो ठीक है, तभी जी वाला तो मुल्तान नहीं होगा होगा या लाहौर क्या होगा। भाई ये सर, ए फिर से लाहौर, बताइए। लाहौर डी अच्छा लिया है, अकबर के मृत्यु के समय है, ठीक है, लाहौर गोंडवाना और ऊपर का लाहौर, हिस्सा है, गोंडवाना ये लाहौर लिया है, ठीक है, लाहौर, ठीक है, लाहौर लिया है, ठीक है, क्या लिया है, ये लिया है, ठीक है, आप लोग आसपास चले गए थे, लाहौर को लिया है, ठीक है, गोंडवाना और लाहौर को लिया है। चले काव्याभिव्यक्ति, काव्याभिव्यक्ति जो उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था बताइए। मिर्जा गालिब, शायद जी नहीं समझे। ठीक है ध्यान रखेंगे, तो काव्याभिव्यक्ति के रूप में, ठीक है, उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक की बात करेंगे तो अमीर खुसरो हो जाएंगे, ठीक है। अमीर खुसरो एक फारसी कवि थे जो दिल्ली सल्तनत में शासकों से संबंध रखे, उन्होंने अरबी तथा फारसी में कविताएं लिखी तथा उर्दू भाषा का प्रयोग करने वाले प्रथम लेखक थे, ठीक है। इन्होंने खरी बोली का भी प्रचलन किया था, यह भी अमीर खुसरो, ठीक है। सर वो इफी फिगर वे वाला, क्या ये फिगर वाला नहीं समझे। फिगर, फिगर ठीक कुछ है है नहीं, फिगर बस क्लियर है, एक फिगर समझ में आ रहा है सर, फिगर दो क्या है, कौन नाम सा फिगर, ये बताना। बोल रहा है सर, ये मतलब अकबर के शासन काल में ये जगह जो दिख रहा है ये किससे हाँ मतलब क्या था, संबंधित है, गोंडवाना क्या है था माफ ये। करना, दक्षिण का हिस्सा में गोडवाना आपको मिल जाएगा, ठीक है, इधर ऊपर में ये तो कुछ लाहौर है कहाँ ना। पे, ठीक है, लाहौर ऊपर में मिलेगा, वही लिया है। अकबर के शासनकाल के अधीन मतलब क्या था, फिगर पूछता भी नहीं बीपीएससी में, ठीक है, यूपीएससी में पूछता है। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए, ये पूरा मैप दिया के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, मैप हमें नहीं समझ में आता, ठीक है। गया मानचित्र लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र ए में चिन्हित मानचित्र स्थान किस नगर को निरूपित करता है, दिया गया मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है, ये देख इब्राहिम लीजिए, मानचित्र पहले है, इब्राहिम लोधी और आगरा है वो, ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। किधर का हिस्सा है ये, ईस्ट साइड का है भोपाल के नॉर्थ नीचे, साउथ ईस्ट, ईस्ट का हिस्सा ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अलीगढ़ पूर्व जौनपुर, का, ठीक है, ध्यान अलीगढ़ रखिए कुछ। अरे पूर्व का क्या बोलते हैं, पूर्व का सिराज किसे बोलते थे, देख नहीं रहे, पूर्व का अली सिराज अलीगढ़ तो होगा नहीं, पूर्व का सिराज किसे बोलते थे, जौनपुर, जौनपुर बोलते, जौनपुर तब ये इब्राहिम जौनपुर तो श्योर हो गया, बहलोल लोधी का ही इब्राहिम लोधी का है, किसके समय में जौनपुर था, लोधी, इब्राहिम बहलोल लोधी लिया है आंसर, क्या लिया है, बहलोल लोधी लोधी, लिया है, ठीक है, ठीक है, अलीगढ़ तो होगा नहीं, एक ठीक चीज तो पकड़ा गया था, बहलोल लोधी हुआ, ठीक है, ठीक है। ठीक बहलोल सर, लोधी ने क्या किया था, हुसैन शाह सरकी को किसने हराया था, बहलोल लोधी ने हराया था, तो जौनपुर पर अधिकार कर लिया था, हुसैन शाह सरकी, हुसैन हुसैन शाह सरकी, ठीक है, जौनपुर का यह जौनपुर शासक था, इसको पराजित किया था बहलोल लोधी ने, जौनपुर का अधिकार किया था। का नाम तो जोना खान के नाम से पड़ा था, कौन था वो, राजकुमार था ना कोई जो शायद, भी हो ये मतलब ना ये पूर्व का सिराज के रूप से जानता था, ठीक है, क्योंकि बहुत ही मतलब यहाँ पे विद्या वगैरह से लेकर से जब बहुत ही उन्नत हो गया था, इसलिए पूर्व को सिराज से जौनपुर को जानते थे, ठीक है। किसके नाम से पढ़ा था, जौना खान के नाम से, जौनपुर का हाँ शायद। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था किसने, एफ एमबीटी एस टी ने करवाया था, फिरोज प्रकाश, शाह तुगलक ने, जौना खान तो एमबीटी का नाम ही था, तो कैसे निर्माण करवा लेगा। दस घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों के 20 घोड़े की रखरखाव करनी पड़ती थी, घोड़े को यात्रा में आराम देना होता था और युद्ध के समय उसको बदलना आवश्यक होता था, बताइए कौन सा सही है। दोनों सही है, दोनों दोनों अकबर निखिल जी, सही है सर,
पहला गलत है। अकबर के काल में हर दस, ये तो जहांगीर के समय था ना, सिंह अस्पा दो अस्पा, आप लोग इसको कैसे गलती कर सकते हैं। दी अस्पा सिंह अस्पा प्रणाली का प्रारंभ किसने करवाया था? जहांगीर ने किया था, अकबर ने थोड़ी ना किया था इसका। कौन सा प्रणाली सर? दो अस्पा सिंह अस्पा किसने किया था? जहांगीर ने किया था ना इसको, अच्छा अकबर ने थोड़ी ना किया था। वही 10 घुड़सवार को 10 2 क्या बोलते थे, दो अस्पा के नाम से जानते थे। 10 था, फिर 100 जहांगीर था, फिर 1,000 था, इसे करके था। अस्बा वगैरह शब्द लेकर आया था, जहांगीर लेकर आया था। बाकी ये सही है, 8 नंबर स्टेटमेंत सही है। ठीक है, एक गलत है, परंतु अरे यहाँ पे अकबर के जगह पे क्या होगा, अकबर के जगह पे क्या होगा, जहांगीर जहांगीर होगा। ठीक है। दक्षिण भारत के इतिहास में उससे संगत की एक विशेषता ये मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए। इसका मतलब क्या कारण था? दक्षिण भारत के इतिहास में उसमें संगत एक विशेषता यह मिलती है कि बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय राज्य विकसित हुए, उसका क्या कारण था? बी वाला ऑप्शन है। सामाजिक संरचना में अनेक का अनेक विभाजन, विशाल नहीं, उपजाऊ भूमि विशाल क्षेत्रों उपजाऊ भूमि का क्षेत्रों का अभाव। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अभाव। विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव था, इसलिए बड़े साम्राज्यों की अपेक्षा छोटे क्षेत्रीय छोटे राज्य छोटे, विकसित हुए, क्योंकि बड़ा साम्राज्य को चलाने के लिए बहुत अधिक भूमि उपजाऊ होनी चाहिए, लेकिन वैसा नहीं था। ठीक है, कारण थे दक्षिण भारत में विशाल उपजाऊ भूमि क्षेत्रों का अभाव आपको देखने को मिलता था। ठीक है, जो दक्कन के क्षेत्र में भी क्या था, मराठा के उस पास सबसे बड़ा दिक्कत क्या था, मराठा लोग इतना डेवलप क्यों नहीं कर पाए। ठीक है, क्यों वो मतलब दूसरे राज्य के ऊपर आक्रमण करते थे, टैक्स वसूलते, रीजन क्या था? फसल ही नहीं होती थी वहां पे। राज्यों के जहां पे फसल नहीं होती वो स्टेट कभी भी स्टेबल नहीं हो पाएगा। राज्यों को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली, प्रजा को संगति अपने के साथ। राजा से। ठीक है, ये तो याद ही रहेगा अलाउद्दीन ना। बदाउनी ने किसके बारे में कहा है, किसने कहा है? तो मुहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, मुहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, के ध्यान रखेंगे, ऑप्शन मुहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी बना? मुहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन बना? सबसे फिरोज पहले शाह, फिरोज गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक के बाद शाह, फिरोज शाह मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद फिरोज शाह। जौना खा था क्या सर? जौना खा था जौना खान। एमबीटी का ही नाम जौना खान था, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम भी जौना खान था। क्या? ठीक है, पगला बादशाह इसी को कहता था ना। एमबीटी। हाँ, इसी कह रहे। तो ठीक है, तो इसके उसके बाद बाद क्या हुआ, फिरोज बनेगा शाह के बाद फिरोज क्या? शाह तुगलक बनेगा। ये पूछेगा फिरोज शाह तुगलक और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में रिलेशन क्या था? चचेरा भाई था। क्या था? ये बेटा नहीं था, चचेरा भाई भाई था। था। ठीक है, ये शासक नहीं बनना चाहता था क्योंकि बहुत ज्यादा रायता फैला रखा था मोहम्मद तुगलक, उसको लगा सब बनेगा तो सबों को समझना पड़ेगा, इसको जबरदस्ती शासक बनाया गया। जब जबरदस्ती जब शासक बनाया गया, ये तो सारा उलेमाओं वगैरह से लेकर सबसे दुश्मनी लेके, इसको ना पत्र में एक एक में 200 गाली लिख के भेजा जाता था, मन भर इसको गाली देता था। 9 लेटर आते थे इसको गाली के। ठीक है, इसलिए परेशान होके एक मतलब ये बरनी कहा था, इसने अपना राजधानी परिवर्तन इसलिए कर लिया क्योंकि मतलब इसको उलेमाओं के बहुत ज्यादा गाली आते थे, क्योंकि किसी का इज्जत ये नहीं करता था। तो फिरोज शाह तुगलक बना था, सबसे ज्यादा उलेमाओं का पसंद किया, सारे उलेमाओं का भूमि दे दिया, जितना जमीन लेना इनाम भूमि ले लो, वंशागत कर दिया गया। ठीक है, इस सैन्य व्यवस्था जो था ना, वो एकता प्रणाली जो था, उसको वंशागत कर दिया। ठीक है, उसको बुजुर्ग हो जाता था, 60 साल 70 वर्ष हो जाता था, उसको बेटा को दामाद को दिया, इसने सबको बहुत खुश किया। ठीक है, उसके बाद जो लोग इसने अपने ऑफिसर को भी खुश किया, बोला घूस लेना है लो आराम से लो, कोई दिक्कत, जितना घूस लेना उतना घूस लो। इसलिए इसने बेरोजगार, इसने क्या किया, इसने मतलब घूसखोरी को भी मतलब बढ़ावा दिया। ठीक है, तो सर सब काम ये करता है, फेस्टिवल सबको प्रसन्न करता है। सबसे पहले धार्मिक गुरु उलेमाओं का प्रसन्न किया, अपने दरबार में रहने वाले जितने भी इकतादार थे सबको प्रसन्न किया, अपने सैनिक प्रशासन में अपने क्या बोलते हैं अपने अधीनस्थ अधिकारी को प्रसन्न किया, सबको प्रसन्न करता है। ठीक है, मतलब सबके लिए मतलब जो भी जो जिसमें खुश है वो काम करता है ये। ठीक है, समझ रहे हैं ना? ये आपका एफएसटी था, जो कि इसका चचेरा भाई, देखिए उसको शासक बनने का मन नहीं था, इसको जस्ती शासक बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि कोई था ही नहीं उसके बाद एमबीटी के बाद कुछ ढंग का, तो इस तरह से बहुत सारे चीजों को करता है एफएसटी। ठीक है, इसके समय गुलाम की संख्या बहुत अधिक थी। ठीक है, 1,80,000 गुलाम हो गया था इसके समय। गुलाम के लिए एक विभाग बनाया था, कौन सा विभाग था गुलाम के लिए? अरे बोलिए, विभाग का नाम क्या था? अरे दास विभाग दीवाने बंदगान। दास विभाग तो बोलेंगे, तो गुलाम विभाग दास विभाग में क्या अंतर है? विभाग का नाम दीवान ए बंदगान। क्या था? दीवान ए बंदगान। ठीक बंदगान है, चलिए 17 क्वेश्चन और करेंगे। ठीक है,
जैनुलाबाद में, जो कश्मीर के अब अकबर के कहते हैं, ठीक है। कश्मीर की जमा मस्जिद की प्रभावशाली विशेषता क्या है? जैनुलाबाद इनको अपनी सहिष्णुता नीति की वजह से कश्मीर के अकबर के नाम से जानते हैं। क्या है इसका मतलब? तो यहाँ पे देखेंगे उसकी विशेषता क्या है। तो बुर्ज है, बौर पेगोडाओं से समानता फारसी शैली है। क्या है इसका? तो सारे के सारे बुर्ज भी उसमें देखने को मिलेंगे, बौद्ध पगोडाओं से समानता है, और फारसी शैली भी दिखने को मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे मिलेगा? कश्मीर में जमा मस्जिद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। कहाँ पे किया गया था? श्रीनगर में आपको दिखेगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। श्रीनगर कहाँ पे? नौहत्था में है। श्रीनगर के कहाँ पे है? नौहत्था ना में। ठीक है, नौहत्था में श्रीनगर को मिलेगा। ठीक है, चलिए इसको आपको ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे आगे। हाँ, एक प्रश्न और भी एक बार देखे थे, तो कहाँ के मस्जिद में, ठीक है, मोहम्मद साहब जो कि मतलब इस्लाम धर्म के पैगंबर थे, उनका एक बाल सुरक्षित है? तो जम्मू कश्मीर के मस्जिद में, कश्मीर के मस्जिद में उनका एक बाल सुरक्षित है, ओरिजिनल बाल। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जहांगीर के शासनकाल में हॉकिंस है, अकबर के शासनकाल में सर टॉमस हुए, शाहजहां में ट्रेवनियर आया, तो औरंगजेब ने मनुचेहरी आया। सीधे सीधे पता चल रहा है गलती कौन है, बता दीजिए। नंबर थॉमस काली बी नंबर सर कहा? बी गलत बी है, बी बिल्कुल। बी अकबर के बॉय शासनकाल में सर थॉमस रो नहीं आया। ठीक है, किसके शासनकाल में आया? ये मैं सोलह सौ आज पंद्रह से लेकर उन्नीस के जहांगीर मध्य के रहता बारे है, जहांगीर के शासनकाल में आया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। किसकी पुस्तक है, ठीक है, ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर? उसी का होगा, नहीं, उसी का कैसे होगा? ट्रेवनियर ट्रेवनियर की का। पुस्तक है। ठीक है, किसकी पुस्तक है? ट्रेवनियर की पुस्तक है। इनमें से कौन सा जो था ट्रेवनियर पेशे से डॉक्टर था? पेशे से डॉक्टर था, ट्रेवनियर बिल्कुल ट्रेवनियर था। किसके सेवा में आया था ट्रेवनियर ट्रेवनियर? किसके सेवा में आया था? अकबर नहीं, दारा शिकोह के सेवा में था। ठीक है, जैसे दारा शिकोह को जब अच्छा फांसी दे दिया, तुरंत ही अपना पाला बदलता है, तुरंत किसके शासनकाल में चला जाता है? तुरंत जाके औरंगजेब से औरंगजेब समझौता कर लेता है। ठीक है, क्योंकि औरंगजेब को भी लगता है कि व्यक्ति काम का है, इसलिए अपने पार्टी में इसको रख लेता है। ठीक है, तो ट्रेवनियर ने लिखा था ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर। ठीक है, ये पेशे से डॉक्टर था। ठीक है, शाहजहां के शासनकाल में आया था, दारा शिकोह का पर्सनल डॉक्टर था ये। जैसे दारा शिकोह का जब सजा दी जाती है, मृत्यु होती है, औरंगजेब के साथ जाके ये मिल जाता है। ठीक है, ध्यान रखें। मनुची की बात करेंगे, मनुची आई थिंक जौहरी था ये, एक बार देख लीजिएगा, जहां तक मुझे ध्यान है जौहरी था, सोना चांदी का व्यापारी था, एक बार चेक कीजिएगा। श्योर नहीं हूं, लेकिन शायद मुझे ये याद आ रहा। ठीक है, देखिए जितना भी इतिहास पढ़िए ना, ठीक है, एनिशेंट हिस्ट्री पढ़िए, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िए, ठीक है, मॉडर्न पढ़िए, सबसे जो टफ जो होता है ना, मेडिवल ही होता है। ठीक है, मानते कि नहीं मानते आप लोग? ये सही सही मेडिकल एंशियंट से क्वेश्चन भी जाता है ना। एंशियंट होता है मेरे लिए, बाकी लोग के लिए। एनिशेंट में आप लोग टफ लगता है? एनिशेंट मैं सर आप लोग मतलब दक्षिण जी दक्षिण भारत को लेके आप लोग मैं बोल रहे, हल्का सीधा सीधा आप लोग दक्षिन भारत को लेके हर कम खास रहे, हमको लग गया। ठीक है, बताइए क्या होगा 35 का? महलवारी, बड़े सामंतों का आवंटित भूमि को जागीरदारी प्रणाली कहते थे। सुमेलित नहीं है, सुमेलित करना नहीं चाह। बड़े सामंतों के आवंटित भूमि को क्या बोलते थे? उन्होंने दिए बोलते हैं सर चौथा कितने? एक दो तीन चार ऑप्शन है, चार ही है। ठीक है, सामंत बताइए, वाला जो ना लगाइए। वो हो गया रैयत वाली मालगुजारी ये वाला तो ठीक है। मालवारी हो जाएगा ना। मालगुजारी के इजारेदारी, मालगुजारी के इजारेदारी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, तहसीलदारों के आवंटित भूमि महलवारी सिस्टम था ना। सर डीए चारे को है बराबर लिखा हुआ बड़े सामंतों को आवंटित भूमि को क्या बोलते थे? बड़े सामंतों को जो आवंटित भूमि जो की जाती थी, उसको क्या बोलते थे? जिसमें जमींदार इसका लोग आंसर था बी लिया है। ठीक है, मतलब ए का हुआ नहीं, ठीक है, जी के जमींदार लगा रहे, जागीरदारी तो ठीक है, के। बी का लिया है, चार लिया है। ठीक है, मालगुजारी के अच्छा इजारेदारी तो बी का क्या लिया है? जमींदारी लिया है। ठीक है, इसका सी का लिया है आपका, सी का दो लिया है। ठीक है, उप किरायेदारी पे देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार में देने, किसको था? रैयतवारी को यह अधिकार हो गया था। ठीक है, रैयतवारी जिसमें किसान क्या होते थे, कुल किसान मतलब से भूमि तो के मालिक पता होते चल थे। रहा है। हाँ बिल्कुल, ठीक है, जो कि मतलब भूमि को बेच भी सकते थे, खरीद भी सकते थे। राजस्व बंदोबस्ती की ग्राम बात स्तर करेंगे, पे ठीक है, ग्राम स्तर पे जबकि बोले उसको महलवारी बोलते हैं, जो कि टोला मोहल्ला पूरे मतलब गाँव के साथ किया जाता था। ठीक है, लग गया। थे सर चलिए बताना है, संभाजी के बाद मराठा शासन के निम्नलिखित में से किसने सरल और कारगर बना दिया? संभाजी के बाद की राजा बात हो रही है, विश्वनाथ बिल्कुल ठीक है, नहीं बालाजी विश्वनाथ। राजा ठीक है,
नहीं नहीं ठीक तो है बालाजी विश्वनाथ, ठीक है पेशवा थे ये, प्रथम पेशवा थे, ठीक है बालाजी विश्वनाथ जो है प्रथम पेशवा थे, ध्यान में रखिएगा सही है। संभाजी के बाद राजा राम, शिवाजी द्वितीय एवं ताराबाई तथा साहू जी गद्दी पे बैठे, ठीक है। उसके बाद बालाजी विश्वनाथ ने साहू की जीत के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था, ठीक है। इस जीत के समय मराठे सरदार साहू के पक्ष में हो गए थे, ठीक है। यही बालाजी विश्वनाथ का पुत्र नाम था, जिसका नाम था बाजीराव प्रथम, जिसका रोल कौन किया है, जिसका रोल किया है, किसने किया बाजीराव प्रथम का रोल, रणवीर रणवीर सिंह ने किया है, ठीक है ध्यान रखे। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा थे, जब साहू जब जेल से निकलते हैं 1707 में, ठीक है मुगल के जेल से जो निकलते हैं, तो बालाजी विश्वनाथ को पूरा मराठा बोलता है, जाओ तो साहू को टेस्ट करके आओ, तभी मराठा खून बचा हुआ कि इतने वर्षों तक मतलब क्या मराठों के जेल में रहा, सॉरी मुगलों के जेल में रहा, कहीं ऐसा था मुगल तो नहीं बन गया। तब बालाजी विश्वनाथ जाता है, से बोलता है अरे भाई साहब वो तो हम लोग से भी ज्यादा देशभक्त है, तो बोलता है ठीक है। तो बालाजी विश्वनाथ इसको सपोर्ट करता है, किसके सपोर्ट खिलाफ सपोर्ट करता है, तो अपने चाची का नाम जो था तारा भाई, ठीक है। तारा भी ऑलरेडी मराठा सत्ता पे नेतृत्व की रहती, तो दोनों के बीच में लड़ाई होता है, ठीक है। 1707 में कौन सी लड़ाई होती है, जहां तक मुझे आ रहा है सर पालखेरा होता है, ठीक है याद नहीं आ रहा है, ठीक है शायद पालखेरा है खेड़ा क्या, खेड़ा ओनली खेड़ा। अच्छा खेरा है, ठीक है। 1707 में ताराबाई पराजित हो जाती है, ठीक है। असली मुगल सत्ता किसके हाथ में, संभाजी सॉरी किसके हाथ में, साहू के हाथ में आता, ठीक है साहू के हाथ में आता। साहू जो था, साहू अपना प्रधानमंत्री किसे बना, बालाजी विश्वनाथ को बढ़ा देता है, ठीक है, जो कि आगे चल के, ठीक है, ये बहुत हेड बन जाता है। यही प्रथम पेशवा थे, अब पेशवा काफी शक्तिशाली हो जाएंगे। अब बालाजी विश्वनाथ, बालाजी प्रथम जो प्रथम पेशवा जो बनेंगे ना, ठीक है, बालाजी क्या नाम है उसको, बालाजी प्रथम जो बनते हैं, बाजीराव प्रथम जिसको बोलते हैं, बालाजी बाजीराव प्रथम जो बोलते हैं, वह एक बार में 16-17 युद्ध कंटिन्यू मतलब जीतते हैं, ठीक है, जो कि मस्तानी नाम एक महिला के साथ प्रेम में रहते। वही मस्तानी की बात करेंगे तो मस्तानी जो था ना, दीपिका वो भी एक राजा पादुकोण, की ही पुत्री थी, लेकिन राजा के बहुत सारे मिडवाइफ होते थे, ठीक है। उनमें एक मुस्लिम थी, एक मुस्लिम महिला से हिंदू राजा छत्रसाल की वो पुत्री थी, लेकिन राजा छत्रसाल की लीगल वो पुत्री नहीं थी, जिनके प्रेम में बाजीराव क्या नाम प्रथम का नाम उनके साथ जुड़ता है, ठीक है। चलिए दिया गया मानचित्र विशिष्ट करता है, किसके बारे में मानचित्र पता होता है, क्या लगा मानचित्र से देख में क्या लग रहा है, इंडिया कुछ और नहीं बुझा रहा, हमें भी नहीं संदिग्ध बुझा के रहा, ऑप्शन ठीक दिखाइए सर, ऑप्शन दिखाइए। है ये है, ठीक है। बस इस मानचित्र का जो आंसर उसे बोल, अकबर ने इस किला का, ठीक है, ताला जो है सोने के चाबी से खोला था, बस यही इसके बारे में कहा जाता है। अकबर ने इस किले को सोने की चाबी से मतलब इसका ताला खोला था, किसके बारे में कहा जाता है, खानदेश अकबर ने इस विजय के किले, समय बिल्कुल खानदेश विजय बोलता जाता है, खानदेश के किला को जब खोला तो सोने के चाबी से खोला, मतलब सही में सोने के चाबी से नहीं खोला, इसका मतलब उसके संपन्नता से लगाई जाती, जब उसको किला को खोला गया तो ऐसा बोला जाता सोने के चाबी से खोला, इतना अधिक संपन्न था मतलब खानदेश, ठीक है ध्यान रखें। ये अकबर के खानदेश का विजय 1601 के संदर्भ में ये करता है, ठीक है ध्यान तो रखें। लेकिन कर्नाटक का ही इसमें होगा। लिखता रहता ना, ए बता रहा है कि बी बता रहा है, कुछ तो बता नहीं रहा ना, कहाँ की बात हो रही है इसमें, उसमें तो लिख रहा था ना ए की बात हो रही है बी की बात हो, डायरेक्ट इसमें सीधे डायरेक्ट मैप दे एनसीईआरटी दिया को उठा के है। कॉपी एंड पेस्ट मतलब मार मैप दिया। किस समय का है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, विजयनगर के कृष्णदेवराय का शासनकाल, कुतुब मीनार का निर्माण, पुर्तगालियों का भारत आगमन, फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु, साल याद है, पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498, कुतुब अंठानवे मीनार का निर्माण 1492, कृष्णदेवराय का नहीं शासनकाल याद है क्या किन्हीं को, 1509 में बनते हैं सर, बाबर के समकालीन, 15 नहीं उसमें तो वो विजयनगर साम्राज्य का स्थापना बता रहे हो, ठीक है ठीक है, 1509 में, आई थिंक 1509 से 1530 तक, ठीक है। और फिरोज तुगलक की मृत्यु की बात करेंगे 1388 में, ठीक है। अब लगा लीजिए क्या होगा, कुतुब मीनार का निर्माण तो किसी भी कंडीशन में पहले ही होगा ना, तो 1388 1492, होगा पहले। अरे कुतुब मीनार का, कुतुब सर मीनार का एफएससी का गलत हम मृत्यु लिख गलत दिए हैं, लिखे अरे कुतुब हैं, मीनार का निर्माण हम गलती लिख दे, 1206 में ही होता है ना, हाँ 1206 से लेकर तो 1210 तक दो चलता है, दो चार तीन दो एक सबसे एक तो कट गया, दो चार ये तीन सीधा एक पकड़ा जाए 2 4 3 1 ये मतलब ए ऑप्शन। नंबर, ठीक है। बाकी ये डेट आप लोग को पता होगा, ठीक है, ये दो तो आपको पता ही था, उसी से भी बन जाता, हालांकि 2 4 में तो कोई क्लियर है, जो आसान ऑप्शन को मिला दिया है, नहीं दो और दो से पकड़ लेते हैं आप लोग, है किसे, इससे पकड़ा, पुर्तगालियों के आगमन से पकड़ा जाता, नहीं आसानी से छटा जाता है। ये आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इकता क्या होते थे बताइए,
दिल्ली के सल्तनत में, ये दिल्ली सल्तनत का एकता दिया हुआ है, ठीक है। जागीर किसके समय, मतलब जागीर जागीर, मुगल, बिल्कुल मुगल जागीर की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, जागीर जो थे, ठीक है, मुगल के समय में जागीर होते थे, ठीक है। अमरम किसके समय में, तो जाहिर से नामे से पता चला, बिजनर अमरम, जी। बिजनर, बिजनर। अमरम किसे दिया जाता, मौका सुधा, अमरम किसे बोलते थे बताए। अभी आप देखिएगा, सैनिकों बिल्कुल बिल्कुल, अभी को जो सैनिक जो शहीद होता है उसको हम क्या, उनको हम लोग जल्दी मतलब पेट्रोल पंप दे देते हैं, इसलिए देखिए भारत के बहुत सारा पेट्रोल पंप सैनिक के नाम पर। अमरम जो होता था ना, जो मरे हुए जो सैनिक जो युद्ध भूमि जो शहीद हो जाते थे, उनको दिए वाला भूमि को अमरम बोलते थे, ठीक है। और उनका बड़ा बड़ा मतलब क्या, बड़ा बड़ा उनको प्रतिमा लगाया जाता था, वो मतलब लोगों के ना काफी सम्मान का केंद्र होता था वो भूमि भी और उनका प्रतिमा भी, ठीक है, काफी लोग उनसे सीखते भी। तो अमरम जो था, ये आप ध्यान में रखेंगे, सैनिकों के दी जाने वाली भूमि को बोलते थे अमरम, ठीक है। निम्नलिखित मुस्लिम शासकों किसने उनकी धर्म निरपेक्षता के आस्था का उनके मुस्लिम प्रजा जगत गुरु के कार्यक्रम बुलाते, हमेशा क्लास में चर्चा किया हूँ, कल भी आज सवेरे भी पढ़ाया हूँ, परसों तरसों भी जैनुलाब्दीन, पढ़ाया था, जगत जैनुलाब्दीन गुरु के। गलत है, और बताइए, गलत है, इब्राहिम बिल्कुल, इब्राहिम आदिल शाह के बाल, आदिल शाही वंश के संस्था पे इनको जगत गुरु कह के पुकारा जाता था। ये अगर किसी प्रजा का दुख होता था ना तो परेशान हो जाता था, ठीक है। मजा आ रहा है तो 10 क्वेश्चन और भी करवाएंगे, नहीं मजा आ रहा है तो बंद पचास कर पचास देंगे। तक चलने दीजिए, 50 जी बताइए, अगर मजा आ रहा है तो तक करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी एकदम जैनुलाबादीन को कश्मीर के अकबर के हुसैन शाह की बात, हुसैन एकदम शाह अकबर सरकी की बात करेंगे, जौनपुर के शासक था, ठीक है, ध्यान, जिसको बहलोल लोदी ने पराजित किया था। सैन मस्जिद भी एक बनवाए थे जौनपुर में, ये हुसैन हाँ, शाह। सरकी, सरकी मस्जिद, सरकी मस्जिद के नाम सरकी मस्जिद है, ठीक है, सरकी भुवनेश्वर, मस्जिद है उसका। लिंगराज मंदिर निम्नलिखित किस शहर में, तो ये आसान क्वेश्चन है, पता ही चल जाएगा, भुवनेश्वर भुवनेश्वर में, ठीक है। अगर पूछेगा सभी इसका, ये नहीं शताब्दी पूछेगा में इसका निर्माण किसने करवाया है, गंगदेव इसका सर शासक, ऑप्शन दीजिए, बता देंगे, बता गंगदेव देंगे गंगदेव सर। शासक थे। ययाति गंगदेव केस, शासक, ठीक है, ययाति केसरी बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, याति केसरी ने इसका निर्माण करवाया, किसने करवाया, छठी याति केसरी ने इसका निर्माण शताब्दी में। करवाया, ठीक है, ध्यान रखो, इसका निर्माण किसने करवाया, याति केसरी ने करवाया, ठीक है। वाह, किलर बॉय लगता है, इस बार आप तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मारेंगे आप, पढ़ाई यस चल रही है ना, प्रयोग तो अच्छा है, सर, अंतिम अभी भागना नहीं, जाने के समय गाना भी सुनाना है, ठीक है। नामदेव की बात करेंगे, देखिए ये सारे के सारे जो थे ना, सारे के सारे संत जो थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना, कृष्ण किनके संत थे ये, जो कि इनके देव सारे कृष्ण के, अरे जी इनके 12 संत थे, 12 अतिशय जी आते थे, नाम में भूल ना हो, ठीक है, 12 के संत थे, 12 काम करने वाले। नामदेव क्या करते थे, नामदेव, नामदेव क्या करे, नामदेव जो थे दर्जी नामदेव थे, क्या थे, नामदेव जो दर्जी दर्जी था थे। सर, काबीर की दर्जी बात करें तो जुलाहा, जुलाहा थे, जुलाहा थे, यस सर, क्योंकि इनका जो, इनका जन्म रविदास, जो हुआ था, इनका, इनके माता का पता नहीं है, लेकिन कहते हैं माँ जो कुमारी माँ बनने के वजह से छोड़ दिया था, इनका नाई नामक, क्या नाम था, क्या नाम था उसके, नीरू, नीरू, नीरू नामक जुलाहा जो पति पत्नी ने इनका पालन पोषण किया था। तो ये एज ए बर्थ की बात करें हिंदू में जन्म लिए थे, लेकिन इनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, जो कि दर्जी थे, दर्जी को जुलाहा कहा जाता है, नहीं बुनकर नहीं होता, बुनकर, उसको जुलाहा कहा जाता है, ठीक है। रविदास कौन थे, रविदास मोची थे, रविदास जयंती भी सेना मनाया जाता है, और सेना की बात करेंगे भवन, नाई थे। ये सारे के सारे किनके शिष्य थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बाबा फरीद के साथ शिष्य थे सारे के सारे, ठीक है, सर्च करके कीजिए, कबीर किसके शिष्य थे, बाबा फरीद के साथ ये लोग शिष्य थे, ठीक है। चंगेज खां के अधीन मंगोल के भारत पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में किया था, शान शासन, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, सबसे पहले इसने ख्वारिज्म को बर्बाद किया, ख्वारिज्म को जब बर्बाद कर दिया गया तो वहां का जो, अरे किनके तरफ से आवाज आ रही है, कोई सो रहा लग रीमा देवी के तरफ से आवाज था। सर। कबीर जो थे ना, वो स्वामी रामानंद के शिष्य थे। हाँ, ये सब सारा रामीनंद के ही थे, ठीक। अरे लेते यहाँ पे ध्यान में, ख्वारिज्म पे सबसे पहले यहाँ पे मंगोलों ने आक्रमण किया, जब वहां पे जब आक्रमण किया तो वहां का राजकुमार जो मंगवर्नी बेचारा जान बचाकर भागा, इल्तुतमिश से मतलब क्या मांगा, तो इल्तुतमिश से मतलब उसने क्या बोलते, असाइलम मांगा, शरण ठीक है, शरण लेकिन शरण देने से शरण, इनकार कर दिया। यस सर, सिंधु नदी के तट पे उसे मंगोल घेरा डाले बारा था, जल्दी से तुम असाइलम लो, तुम्हारे राज्य के ऊपर आक्रमण करेंगे, लेकिन इल्तुतमिश ने अच्छा परिचय दिया, नहीं असाइलम दिया, वहां से लौट जाता है, ठीक है। हालांकि कहते हैं उसका यस तबियत भी बहुत अधिक खराब हो गया था,
मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाह में किसे बाबुल का मक्का, ठीक है, बाबुल का मक्का कहते हैं। इस बार बीपीएससी में पूछा था प्रश्न, इसी बार बीपीएससी में इस प्रश्न को पूछा गया था, ठीक है, भरूच 69 बीपीएससी में। बताइए भरूच किसी के नाम से, सूरत को बोलते थे, ठीक है, किसे बोलते थे, ध्यान रखे, किसे बोलते थे, सूरत को बोलते, इसी बार बीपीएससी में पूछा 69 में, याद है कि भूल गए? क्या सर हम भूल गए, नहीं इसको क्यों याद बोलते थे, इनको क्या बाबुल का मक्का इसलिए बोलते थे क्योंकि सूरत से ही मतलब मक्का की यात्रा प्रारंभ होती थी, मतलब सर, मक्का जाने के मंगलोर में लिए सूरत अंग्रेज को के ही प्रयोग आने पे किया ही जाता देखा था, था उधर जी सर, इसीलिए यहीं से जाना हाँ होगा। ठीक है ध्यान रखें। हाँ अकबर जब गुजरात भी जब 1572 में जब करता था, सबसे पहले समुंदा पुर्तगालियों से वहीं पे उसकी मुलाकात होती है, ठीक है। तो ये बाबुल, ये बात करेंगे बाबुल का मक्का, मक्का का द्वार किसे कहते थे, बाबुल मक्का मतलब मक्का का द्वार सूरत को बोलते थे क्योंकि मक्का जाने के लिए लोग यहीं से मतलब मक्का जाते थे, ठीक है। इसी बार बीपीएससी में 69 बीपीएससी में प्रश्न को पूछा गया है, एक बार क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। बात करेंगे निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है, दीवाने बंदगानी, तुगलक, कौन सा सही तुगलक, फिरोजा तुगलक। एफएसटी फिरोजशाह तुगलक, दीवान मुश्तकराज बलबन, ठीक है ध्यान रखिएगा, दीवान अलाउद्दीन अलाउद्दीन गलत है, खिलजी दीवाने कोई की बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी नहीं, एमबीटी हो जाएंगे, और दीवाने अर्ज की बलबन बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दीवाने अर्ज की बात करें बलबन हो जाएंगे, ठीक है। तो बलबन सही केवल केवल यही के ही सही है, ठीक है, बाकी सारे के सारे क्या है गलत है। बलबन दीवाने बंदगान बात करेंगे, गुलामों का विभाग था, फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था, दीवाने मुश्तक राज की बात करेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के जुरा शुरू किया, भू राजस्व विभाग था मुश्तक राज, ठीक है, वित्त मामला को भी देख लेता था, दीवाने कोई की बात करें कृषि विभाग था, एनबीटी के द्वारा कृषि शुरू किया गया था, दीवाने अर्ज की बात करेंगे, दीवाने अर्ज कैसा था, सैन्य विभाग था, विभाग बलबन के समय शुरू किया गया था, ठीक है। अब इधर का प्रश्न देखिए, कथन स्टेटमेंट है, ठीक है, क्या भाई इधर इधर प्रश्न दे रहे हैं क्या, क्वेश्चन उस साइड है, उस निम्नलिखित में दो वाक्य साइड है। है, कथन है या दूसरे कथन है, इन दोनों वाक्यों का शब्दार्थ परिवर्तन करके उन कथनों का सही उत्तर दीजिए। कहाँ है नीचे क्वेश्चन, क्वेश्चन कहाँ क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट डायरेक्ट आंसर है, ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर बताइए। पहले देंगे बाद में क्वेश्चन खानवा देखेंगे। का युद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक और महत्वपूर्ण था, राजपूत वीर राणा सांगा नीचे इब्राहिम लोदी के अपेक्षा अधिक दुर्जय शत्रु था, बताइए कौन सा स्टेटमेंट। अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ऊपर में आंसर देना है मतलब, ठीक है, समझ रहे हैं, बताइए क्या सही सही बोले, है। सब सही दोनों सही है, लग रहा दूसरा दोनों सही है, ठीक है, दूसरा दोनों का दोनों सही है। खानवा के नीचे ही चक्रपुत पानीपत के युद्ध की अपेक्षा अधिक निर्णायक था, पानीपत का युद्ध करके भारत में तो प्रवेश हो गया लेकिन राजपूत को हराना आसान काम नहीं था, खानवा के 1527 में, ठीक है, राणा सांगा को पराजित करता, इब्राहिम लोदी के तुलना में अधिक अजस्व थे, क्यों था, क्योंकि खानवा के युद्ध की बात करेंगे तो एक युद्ध हुआ था इब्राहिम लोदी वर्सेस राणा सांगा, जिसमें इब्राहिम लोदी को राणा सांगा ने पराजित कर दिया, उस युद्ध को किस नाम से, खतौली के युद्ध के नाम से जानते थे, तो ये कहना बिल्कुल सही होगा, से मतलब इब्राहिम लोदी के तुलना में, ठीक है, राणा संगा जो थे से ज्यादा खतरनाक थे क्योंकि इब्राहिम लोदी को ऑलरेडी, ठीक है, राणा संगा ने भी पराजित किया था, ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। कौन सा युद्ध था, 1518 में हुआ था ना खतौली, हाँ 18 1518 में खतौली, फिर पंद्रह से देखिए आ गया है, क्या होगा, तो ये मैप दिखाइए दिया हुआ, क्या इसमें है। देखना अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य है, मोमिन तुगलक का साम्राज्य है, शाहजहां का साम्राज्य है, औरंगजेब का साम्राज्य है, बताइए सर ये औरंगजेब का लग रहा, ये क्या लिखा हुआ है, कंधार है, ठीक है ध्यान में, औरंगजेब काबुल कंधार, अब दिमाग लगे आप किसका है, अरे शाहजहां का हो जाएगा, ठीक है, काबुल कंधार जहां बोले सीधे दिमाग में नहीं, इसके समय में निकल जाता है, ठीक है, काबुल कंधार शाहजहां के समय में ही था, ठीक है, एक बार ये कर लेता है, लेकिन आई थिंक 38 में, ठीक है, क्या हो जाए 1638 में अधिकार करता है, फिर 1649 में फिर इनके हाथ से निकल जाता है, ठीक है। ठीक निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, तो पता ही होगा, रामानंद ने, ठीक है, किसने हिंदी का प्रयोग किया, रामा, एक प्रश्न और भी पड़ेगा, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत से उत्तर लाने का श्रेय किन्हें जाता है, तो ये भी रामानंद रामानंद है, ठीक है। तुलसीदास किसके कबीर थे, किसके समकालीन थे,
अकबर के। अकबर कबीर किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? सिकंदर लोदी कबीर के समकालीन थे। ठीक है, चलिए। मध्यकालीन भारतीय राजाओं के सन्निकट में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग अलग आरिज विभाग की स्थापित किया, क्या ये सही है क्या? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग, दीवाने आरिज की स्थापना बोल रहा है, ठीक है, जो कि बलबन ने किया थे, गलत है ये। नहीं ठीक है, बलबन ने अपनी सेना में घोड़ों को दांगने की पद्धति शुरू की, ये भी गलत है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू नहीं किया था। मोहिन टूले पर दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे, चाचा नहीं बैठा था, उसका भाई बैठा था, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, नहीं फिरोज तुगलक गुलामों का अलग विभाग स्थापित कर इसको दीवाने बंदगान के नाम से जानते, इजी इजी आसानी से बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, यही प्रश्न सब आपको यहाँ पे डील करना सिखा रहे, एलिनेट करना सिखा रहे, जो कि वो कोने कोने कोचिंग है, वो एलिनेट करने के लिए 1500 रुपया लेता है। कौन था दौलत जी, कौन था, क्या बोल रहा था? सो एसीएस प्रश्न विद्या सिखाएंगे से मंदिर छाठा कैसे जाता है, 500 रखने स्मार्ट 1500 तरीके से होता एग्जामिनेशन सिखाएंगे। है। हम बोले सब ऐसे ही सिखा देंगे सबको, ठीक है, बड़ा बड़ा क्वेश्चन को डील कैसे किया हम बोले जाता है। फ्री ठीक में है, सीखिएगा, फ्री में सीखेंगे। शाहजहां का बल्ख अभियान की बात करेंगे, तो बल्ख की बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा, बल्ख जो था ना, बल्ख में बदखशा, ठीक है, ईरान में पड़ता था, सिंपल ध्यान में, बल्ख में बदखशा कहाँ पे था? ईरान में पड़ता। तो काबुल की सीमा से सटे बल्ख में बदखशा का एक मित्र शासक को लाना, मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगाना को जीतना, ठीक है, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति, ठीक है, अमू दरिया का निर्धारित किया। अमू दरिया की बात करेंगे, अमू दरिया या आई थिंक अफगानिस्तान में पड़ता है ये अमू दरिया। मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना था, क्या उद्देश्य क्या था? काबुल की सीमा से सटे, ठीक है, बल्ख में बदखशा को मित्र कहलाना, काबुल को ना कंधार को ये लोग सुरक्षित करना चाहते थे, तो चाह रहे थे बल्ख और बदखशा को अगर जीत लेते हैं ना, तो आसपास में ना काबुल के ऊपर अटैक नहीं हो पाएगा, ठीक है, वहां पर अपना सैनिक स्थापित, यही उद्देश्य था। मतलब काबुल की सीमा से सटे बल्ख में बदखशा को, ठीक है, एक मतलब मित्र शासक के अधीन मतलब लाना, इसीलिए उन्होंने बल्ख अभियान किया था, हालांकि असफल रहता है ये, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि और वहां पे बार बार कबीलाई विद्रोही का मतलब आक्रमण हो रहा था, कबीलाई विद्रोही को नियंत्रण में लाने के लिए मतलब इन्होंने ऐसा किया था, ठीक है, जबकि यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सरासर गलत था, मुगलों का माटी में सफरकंद और फरगाना को जीता, ऑलरेडी वहां पे मुगल के ही मतलब एक सखा जो थी वहां पे काम कर रही थी, क्योंकि हुमायूं के समय में ही, हुमायूं के नहीं अपने पिता के कहने पे, बाबर के कहने पे समरकंद और फरगाना का शासक अपने भाई को दे दिया गया, जिसका नाम क्या था, इसका नाम था, छोटा भाई था, ठीक है, चचेरा भाई था, चार भाई थे ना, हिंदाल को दिया था सर, ठीक है, नहीं कमरान मिर्जा को दिया था, ठीक है, और बाकी दो ऑप्शन भी गलत है, ठीक है, आगे हम लोग का कुल क्वेश्चन जो है 51 से हम लोग देखेंगे, ठीक है, कल के क्लास में कितने से देखेंगे, 51 से देखेंगे पूरा।